हेलो बच्चों, जल्दी जल्दी आइए। लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है और आज का चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी लाइव आइए। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी आइए। आज का चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट सब लिया जाएगा। चलिए आगे सभी। जल्दी जल्दी, तन्मय, फैजान, शीतल, ओके, आकाश, मीना, सब 10 लोग चैटिंग में अभी। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला दो तीन कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल लूँगा और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल लूँगा मैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन हैविंग लिक्विड इन गैस इज। ये आपका जो टेबल बनाया ना, आपका जो फिजिकल और उसमें प्रॉपर्टीज पे पूरा एक एग्जाम्पल का टेबल, एक सोल्यूशन के टाइप्स का, मतलब उस पर बेस्ड है। क्या आंसर है इसका? पी ब्लॉक लास्ट में। अभी सोल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स लूँगा, उसके बाद में लूँगा मैं सॉलिड स्टेट लेता हूँ, उसके बाद में फिर केमिकाइनेटिक्स और लास्ट में पी ब्लॉक। फिर आपके 11th की चैप्टर है, 12th पहले पूरा ख़त्म करूँगा। इसका आंसर ए है, एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन हैविंग लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सोल्यूट सॉल्वेंट, तो मॉइस्ट एयर, बराबर है। एयर में क्या है आपका, एयर ड्रॉपलेट्स है इसके लिए। यस, लॉग बुक अलाउ है सीटी में। लॉग बुक पीछे आपके लॉग बुक अलाउ है। जो पहले ऑफलाइन होता था तो पीछे लॉग टेबल दिया जाता था प्रिंटेड ही। आप कैसे ऑनलाइन है तो अभी आपको वहाँ अलाउ करेंगे वो लोग देंगे अभी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हाँ देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड, द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड। ए ऑप्शन है मोल, बी ऑप्शन है एटम्स, सी ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स और डी ऑप्शन है कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। यस, क्या बोलते हैं सर? यस, डी, क्या बात है। करेक्ट है, द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट कंपोनेंट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, बराबर है। आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़े इजी रखे हैं, इंट्रोडक्शन पे रखे हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी थर्ड। सॉल्यूशन आर ऑफ डैश टाइप्स। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9,
एंड डी ऑप्शन है 11। बताइए क्या आंसर है। तो हमको तो मालूम है दो नोटिफिकेशन नहीं आने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना टाइम फिक्स है ना। चैप्टर इंपॉर्टेंट, तीन क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, सोल्यूशन और बहुत इजी रहते हैं, मतलब इतने इजी पूछे थे, वो फॉर्मूले पूछते हैं, इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे फॉर्मूले भी कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं फॉर्मूला पर। और उसके बाद में फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं, एक आध न्यूमेरिकल रहेगा और एक थ्योरेटिकल रहेगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, नहीं 3 नहीं है, 9 होते हैं। अगर आप टेबल देखेंगे ना, टेबल दिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टेबल, 9 टाइप होगा उसका, ठीक है ना। सी आंसर है सी सी। चलिए यूनिट्स पूछते हैं, यूनिट्स वाला क्वेश्चन आता है कि भाई इसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ है आपका ना, यस फोर्थ, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड, ऐसा पूछता है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड, ऐसा आएगा, यूनिट पूछ लिया उसने, एक्सप्रेस्ड एज, ए ऑप्शन है ग्राम पर लीटर, बी ऑप्शन है मोल पर लीटर, सी ऑप्शन है लीटर पर मोल, एंड डी ऑप्शन है मोल पर 1000 ग्राम। हाँ भाई, ये तो बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक रहने के चांस रहेंगे, या फिर फॉर्मूला पूछेगा, यूनिट या फॉर्मूला, बी करेक्ट है, मोल पर लीटर बराबर है ना, यस। देखो कितना आसान है, अगर आपने पिछले पेपर ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ, when the concentration, when the concentration is expressed as the number of moles of a solute per kg of solvent, so it is known as definition se question aayega, ठीक है ना। अब बताएंगे इसका ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, नॉर्मेलिटी, बी ऑप्शन है मोलैरिटी, सी ऑप्शन है मोलैलिटी, डी ऑप्शन है मास परसेंटेज। हाँ भाई बताइए क्या आंसर होगा इसका, सी मोलैलिटी, ये डेफिनेशन, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलैलिटी होगा, बिल्कुल सही है सी आंसर। सभी के आंसर सही है। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हो गए, अब मेरे ख्याल से सभी बच्चे आ गए होंगे, अब यहाँ से मैं पूरे न्यूमेरिकल हर एक आर्टिकल पे एक 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 क्वेश्चन बनाते चलूँगा मैं, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6,
अब यहाँ से न्यूमेरिक स्टार्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं रहती है। तो 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। इसका ऑप्शन ऐसे दिए हैं 5%, बी ऑप्शन 4%, सी ऑप्शन है 40% एंड डी ऑप्शन है 50%। पहले आप लोग कोशिश करेंगे, सी बोल रहे हैं 0.5, मुझे करके दिखाना पड़ेगा। चलो अच्छा, गिवन लिखना है कि नहीं ये मुझे बताइए, गिवन लिखूं या नहीं, गिवन लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या दिया। 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया है इसमें, सोल्यूट को 1 लिखते हैं, W1 लिखो कि W2 मालूम है आप लोगों को, ये आपको आना चाहिए। देखो मैं अभी सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और कहते हैं यहाँ गिवन में पहले देख लेते क्या क्या हमको दिया हुआ, जिन बच्चों को नहीं आता उनको आ जाएगा। तो 40 ग्राम जो दिया वो क्या है, वो है W1 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वन मतलब सॉरी W2 होगा, ये सोल्यूट है ना, 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट W2, ये आपका 40 ग्राम दिया हुआ है। और 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिया है, 1000 वो क्या रहेगा आपका, W1 रहेगा, W1 मतलब आपका वेट ऑफ क्या हो जाता है, सॉल्वेंट, इसको W1 जो रहता है वो आपका सॉल्वेंट, 2 जो रहेगा वो सोल्यूट, 1 या फिर ए या बी रहेगा, ए मतलब सोल्यूट, बी मतलब सॉल्वेंट, आपको फॉर्मूले याद है ना सारे। चलिए और क्या दिया है इसके अंदर क्वेश्चन, और आपको क्या कैलकुलेट करने बोला उसने, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करने का है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू क्या होगा आपका 100। ये फॉर्म बनाया मैंने ऐसे, 1 सोल्यूट, 2 जो रहेगा वो सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो W2 कितना दिया है, मैं 40 इंटू 100 कर देता हूँ अपॉन नीचे W1 मतलब क्या है 1000, मतलब ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन है नीचे, उसको मैंने W1 प्लस W2 लिखा है। अगर यहाँ तो पूरा दिया है ना उसने, देखो ना 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है, उसमें W प्लस W1 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से निकाल सकते हो, अभी आपके 0 0 0 आपके कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया आपका, तो 4% आंसर आपको बी आ रहा है इसका, देख लीजिए। थोड़ा ऐसा गिवन लिखना है कि नहीं मुझे बताइए, या फिर डायरेक्ट फॉर्म लिखो, आप बोलिए आपको क्या करना है, मुझे पहले बताइए गिवन लिखना है या डायरेक्ट फॉर्म लिखे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यू। चलिए बराबर है, W1 प्लस W2 मतलब ये होता है आपका दोनों सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूट है W, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन होता है, ये मालूम है ना आप लोगों को। नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है ना पूरा, ये देखो पूरा सॉल्यूशन दिया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के दिया हुआ, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अगर हाँ उसने बोला है कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ जो भी रहेगा सॉल्वेंट, तब फिर हमको लेना है, सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा तो फिर आपको दोनों को सम करना पड़ेगा, 40 प्लस जो भी होगा सॉल्वेंट का, तो 40 प्लस 60 या 20 30 जो भी दिया उसको प्लस करना पड़ेगा, आ रहे समझ में। चलिए ऐसा है, तो मैंने शॉर्टकट एक फॉर्मूला बनाया, आप लोग कैसे कराए मुझे मालूम नहीं है, मैंने उसके फॉर्मूले की चलो, क्योंकि MCQ में क्या होता है फॉर्मूले चाहिए हमको ऐसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज हो रहे बहुत से बच्चे, W1 देखो W आपके लिखते हैं सोल्यूट, देखो क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है सोल्यूशन, बराबर है कि नहीं,
सॉल्यूशन होता है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूट क्या लिखा हमने, W2 सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, W1 दोनों को मिलाकर आपका बनेगा यहाँ पर सॉल्यूशन, ऐसा लिया W, ठीक है ना, W1 प्लस W2, बराबर है। आप कोई कन्फ्यूज़न, चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन, बाकी आप ही को कैलकुलेशन करके देखना कि क्वेश्चन इजी रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7। अब अ सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग क्या किया है, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। देखो सारे कंपोनेंट को निकालने बोल रहा है वो, इन द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 0.2 + 0.8, बी ऑप्शन बोलता है 0.4 + 0.6, प्लस यहाँ पे कॉमा डाला अच्छा रहेगा, दो पूछा ना, और सी रहेगा यहाँ पर 0.3 and 0.7, और डी आंसर रहेगा 0.5 and 0.5। चलिए क्या करना है, अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट माइट कौन ज़्यादा है यार, क्या पता नहीं, इस हाँ क्या आंसर है, अजय बोल रहा है 0.5 and 0.5। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ इसका। मोल फ्रैक्शन आता है ना आप लोगों को निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है आपका, पहले आपको N1 N2 निकालना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर से ना, तभी तो आपको Xi1 Xi2 निकाल सकते हैं, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन में, मैं पहले देता हूँ गिवन क्या क्या है, थोड़ा मतलब समझाता चलूँगा किसी के अपने लोग समझ में आ जाएगा जो बच्चों को। तो देखो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ आना चाहिए, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल ये सोल्यूट है, 18 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या है, सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, Xi1 इक्वल्स टू क्या होता है N1 upon N1 plus N2, Xi2 इक्वल्स टू क्या होता है N2 upon N1 plus N2, याद है ना। तो N1 N2 पहले निकालने पड़ेंगे, तो मैं पहले उसमें गिवन लिख देता हूँ। तो वेट ऑफ वाटर लिख देता हूँ, वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में अपने, 18 ग्राम दिया हुआ है। फिर वेट ऑफ क्या दिया हमको यहाँ पर, इथेनॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, इथेनॉल वो कितना दिया है 46 ग्राम, बराबर कितना दिया है 46 ग्राम। तो मॉलिकुलर वेट भी चाहिए हमको, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होगा यहाँ पर 18, ठीक है ना। उसके बाद में फिर देखिए मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ, कितना होगा वो 46 है, तो उनको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं इनको भी, ठीक है। अब हमको क्या करना निकलना है, अभी देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, Xi1 ये कैलकुलेट करना है, और Xi2 इसको एक्स बोलते हैं एक्स है, लेकिन होता है वो Xi1 Xi2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब आप क्या करो यहाँ पे निकाल लीजिए, एन निकालो इनका, पहले N1 इक्वल्स टू क्या होता है W upon M, याद है, तो W1 upon M1, ठीक है। फिर ऐसे आपको निकालना पड़ेगा N2, मतलब W2 upon M2, निकाल लीजिए क्या है, अभी निकाल सकते हैं इसको अभी आप लोग आराम से। तो देखो N1 1 मतलब होता है
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या दिया यहाँ पर, सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर 18, तो 18 बाय 18, 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम ऑफ आपका क्या है उसका मोलर मास है, तो ये वन आ जाएगा इसका भी। देखो वेट ऑफ क्या इथेनॉल दिया 46, अभी आपका दिया मोलर मास ऑफ इथेनॉल 46, मतलब 46 बाय 46 इक्वल्स टू 1। अब आप निकाल सकते हैं एक्स वन मतलब जाई वन, तो यहाँ पे लिखेंगे एन वन अपॉन एन टू, तो मैं सीधा वैल्यू लिख दूँ क्या, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू इक्वल्स टू, एन वन कितना ये वन, वन प्लस वन इक्वल्स टू वन बाय टू, मतलब आ गया 0.5 आ गया। अब जाई टू निकाल सकते हैं एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू इक्वल्स टू वन, वन प्लस वन मतलब वन बाय टू मतलब 0.5, 0.5 पॉइंट मतलब आंसर डी है इसका। देख लीजिए कितने लोगों का आंसर डी आया, देख लीजिए, चलिए आया रहा है ना समझे, ओके बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान है बहुत, मतलब मैं क्या अगर एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कि आप लोग आए वो बहुत बढ़िया हो जाए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मॉलिक्युलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्युलर वेट ऑफ HCl गिवन है, आप निकाल भी सकते हैं, आपको अगर नहीं दिया तो निकालना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे जनरली देते हैं वो लोग, ठीक है ना। इसके ऑप्शन ऐसे हैं 0.5 है ए, बी है 0.05, सी है 0.005 और डी है 5। कर सकते हैं आप लोग, पहले करिए मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ क्या बोल रहे हैं, 0.05 सी आंसर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखिए सॉल्यूशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वो गिवन लिखने के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ मैं। तो क्या निकाल हमको, मोलारिटी एम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे लो, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वन बाय वी, ये लीटर में आपका रिटर्न नहीं आता तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता मालूम ही आपको, तो कितना दिया W इसके अंदर 3.65 दिया हुआ है, अपॉन मॉलिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 36.5 इंटू 1 बाई लीटर कितना दिया 2। कर सकते हैं ना, ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो आ जाएगा आंसर, ये कट जाएगा पूरा, कितना बचता है अभी आंसर 0.05, मतलब आंसर बी। कितने लोगों का आया है देख लीजिए अब, है ना छोटा सा कैलकुलेशन, बी आंसर है, सी नहीं है। वह ये पॉइंट इधर शिफ्ट, ये पॉइंट हटा इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे इंटू 10 हो गया ना, 10 हो गया आपका, तो ये कट गया 1/20, कर लो अब कितना आता है 1/20 कर देखो, बराबर है कि नहीं, हाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अरे भाई देखो इधर ये पॉइंट शिफ्ट किया, 36.5 अपॉन 36.5 इंटू 1, 2 इंटू 10 हो गया ना, अब आपका ये कट गया, अब क्या होता है 1/20 डिवाइड करो कितना आता है 0.05 आएगा ना, बराबर कि नहीं, ओके। चलिए कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए भाई, करेक्ट है ना, बी राइट है, यस यस यस, अब बहुत सही। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए मैं जैसा बता रहा ना इसी पैटर्न पर रहेंगे क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं आता क्या अभी आप लोगों, स्लो स्लो है ज़रा, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हो गए 8, अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर वॉट इज द, देखो मैं हर एक स्पेक के क्वेश्चन बना रहा हूँ, वॉट इज द
मोलैलिटी, अब ये मोलैलिटी पर है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग। आप चाहो तो लॉग टेबल से भी कर सकते हो, ऐसा तो बहुत स्मॉल वैल्यू आती है वहाँ पर, प्रॉब्लम ही नहीं रहता उतना। डिजॉल्विंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर, और केन शुगर का फॉर्मूला दिया ब्रैकेट में C12H22O11। इतनी मेहरबानी करते हैं आप पे, देखो इन हाफ केजी ऑफ वाटर, हाफ केजी मतलब 0.5 कर देना उसको, ठीक है। और ऑप्शन जो दिए हुए ऐसे दिए हुए उन्होंने, ए 0.2 मोलैलिटी स्मॉल एम है, बी ऑप्शन है 0.1 मोलैलिटी, सी ऑप्शन है 0.3 मोलैलिटी, डी ऑप्शन है 0.4 मोलैलिटी। हाँ, क्या आंसर, पहले आप लोग आंसर देख लूँ मैं, आप लोग सॉल्व करेंगे जरा फटाफट। ए आंसर, पॉइंट टू है ना, पॉइंट टू बोल रहे हैं आप। ए, बहुत से बच्चों को मुझे आंसर ये दिख रहा है, यस 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 करेक्ट है। तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम है ना, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1/W है ना। तो ये जो W है अपना, ये के जी में है यहाँ पर सॉल्वेंट का, उसके लिए अब हम वैल्यू डाल देते हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पे कितना दिया है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड डिसॉल्व, कितना 34.2 केजी अपॉन मोलैलिटी, इसका कितना, अब इसका तुमको क्या निकालने का, मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास दिया नहीं है। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, कितना निकलता है इसका, मेरे ख्याल से 342 आएगा इसका वेट, कर लेना। कार्बन 12 है, एक कार्बन का 12, 12 कार्बन है, फिर 22 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना 12 करके 342 बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 342 इंटू 1/, ये कितना दिए, हाफ के जी मतलब 0.5 लिख देंगे इसको, ठीक है ना। ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर आएगा, ये कट जाएगा आपका, तो आपका क्या आएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, तो अभी कितना जाएगा 342 इंटू ऐसा हो जाएगा 0.5 × 10, तो आपका ये कट गया, और कितना है बोल रहे हैं आपको 0.2 m, मतलब आंसर ए करेक्ट है। देख कितने स्टूडेंट आया है, क्या बोल रहे हैं, क्या गौरव चौधरी, सर ये सारे क्वेश्चन की PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर खत्म होगा डालो, यस सर ये आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, देखता हूँ मैं इसको कैसे करता हूँ। मैंने वो क्या है, मैं राइटिंग में फटाफट कैसे लिखता हूँ मैं, फिर तुम बोलो कैसे राइटिंग लिखा है, ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन 9th हो गया, अब क्वेश्चन 10th देखते हैं। चलिए फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं तो पता चला कि मुझे फॉर्मूले पे भी एक वीडियो बनाना पड़ा। सभी को याद है फॉर्मूले, सभी को है याद, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर टेंथ देखिए, फाइंड द मॉलिकुलर, फाइंड द मॉलिकुलर वेट of an unknown substance if the vapor pressure of the solution decreases from
लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसके लिए डाला है मैंने 18.5 to 18 mm ऑफ मर्क्यूरी व्हेन 6 gram ऑफ अननोन 6 gram ऑफ अननोन सब्सटेंस वॉज डिजॉल्व्ड इन 180 gram ऑफ वाटर 180 gram ऑफ वाटर एट 25 degree Celsius. चलिए इसका ऑप्शन ऐसे दिया उन्होंने 22.2 बी ऑप्शन है 33.3 सी ऑप्शन है 44.4 डी ऑप्शन है 55.5 यस कर सकते हैं आप लोग कोई ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर पे नहीं हाँ जी हैव यस क्या है पता नहीं चलिए फिर मुझे लगता है इसका पूरा लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में देखते हैं इसका गिवन में क्या दिया चलो देखते हैं अगर क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे अगर आप लोग तो फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस कितना 18.5 से 18 mm ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज हो रहा है मतलब पी नॉट माइनस पी आ जाएगा ये आपका और 6 gram ऑफ अननोन सब्सटेंस ये वेट हो गया आपका वॉज डिजॉल्व इन 180 gram ऑफ वाटर एट 25 degree Celsius ठीक है टेम्परेचर तो कोई रोल नहीं है तो मैं लिखते हैं पहले गिवन क्या दिया है पी नॉट वन जो दिया हुआ है 18.5 दिया उन्होंने mm ऑफ मर्क्यूरी ठीक है उसके बाद दिया यहाँ पर पी वन जो दिया हुआ है वो दिया है 18 mm ऑफ मर्क्यूरी उसके बाद फिर दिया यहाँ पे W2 का मतलब समझता है सोल्यूट का वेट कितना है 6 gram फिर W1 मतलब सॉल्वेंट का वेट वो कितना दिया है 180 gram दिया हुआ है ठीक है ना और आपको M1 मोलर मास जो भी है सॉल्वेंट का वो क्या है 18 gram ठीक है ना और आपको M2 निकालने का है इसमें देख लीजिए ये समझ आ रहा है आपको M मतलब मोलर मास होता है W मतलब वेट होता है वेट तो 2 मतलब सॉल्यूट 1 मतलब सॉल्वेंट बराबर एक दिया है ना उसके अंदर 6 gram सॉल्यूट दिया हुआ है 180 gram सॉल्वेंट दिया हुआ है ठीक है ना अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए याद कीजिए क्या फॉर्मूला पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इक्वल्स टू क्या होता है आपका डब्ल्यू टू इंटू एम वन अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन बराबर है वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर कितना आएगा 18.5 माइनस 18 अपॉन 18.5 इक्वल्स टू डब्ल्यू टू कितना दिया है उसके अंदर आपका 6 है ये आपका 18 दिया हुआ है एम टू आपको निकालना है डब्ल्यू वन कितना दिया है इसके अंदर 180 दिया हुआ है डब्ल्यू वन सॉरी अब इसको सॉल्व करके अब यहाँ पर माइनस करने जाएगा आपका 0.5 इसको माइनस कर दिया मैंने तो 0.5 आ गया अपॉन 18.5 हो गया अब इसको इसे सॉल्व करते हैं अभी देखो 6 into 18 अपॉन M2 है M2 into 180 है तो आपका ये कैंसिल हो जा रहा है इसके साथ तो क्या बचता है ऊपर 6 18 1 18 18 10 10 है मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 अपॉन M2 ऐसे लिख सकता हूँ देख लीजिए बराबर है कि नहीं लिख सकता हूँ ऐसा देख लीजिए अब हमको क्या निकालना है M2 निकालना है M2 आप कर सकते हैं सॉल्व M2 निकालना है M2 आपका इधर आएगा ये ऊपर चलेगा ये नीचे आएगा मतलब हो जाएगा 0.6 इंटू 18.5 अपॉन 0.5 ऐसा हो जाएगा सॉल्व करके देखिए अब आंसर कितना आएगा इसका सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर बताता है वो सॉल्व करके मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है तो मैं इसे कैलकुलेटर से करके देखने से मेरे को जो आता है आंसर देखो 0.6 इंटू 18.5 डिवाइडेड बाय 0.5 22.2 आ रहा है कितना आ रहा है इसका 22.2 मतलब आंसर जो होगा वो ए होगा देख लीजिए आप आया मैथड से कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए 22.2 करेक्ट है
देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के सारे वैल्यूज क्लियर चाहिए। पहले फॉर्मूला परफेक्ट चाहिए, फॉर्मूला का मीनिंग बिल्कुल क्लियर चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ एन अननोन सब्सटेंस, ठीक है ना। आपको किसका, ये एम टू निकालने बोल रहा है, मॉलिकुलर वेट तो निकाल सकते ना आराम से, ठीक है। तो डिक्री बोल रहा है कि अभी क्या, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कहा है 18.5 से लेके 18 डिक्रीज हो रहा है एम एम ऑफ मर्करी, व्हेन 6 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस को क्या डिसॉल्व किया है 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब क्लियर चाहिए आपके, ये सारे आंसर आप लोगे, ये आंसर बिल्कुल सही। चलिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है इस पर, जब अभी तक कभी भी नहीं पूछा इस पर क्वेश्चन लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लेकिन लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ऐसी मेहनत करनी है। फॉर्मूले परफेक्ट चाहिए, मीनिंग परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होती केमिस्ट्री की, अगर आपको आप लोगों ने लॉग टेबल से किया तो भी आ जाएगा आपका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे वैल्यू हो तो उसे कैंसिल करके किया करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब सभी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद है, फिर भी देखो इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, देखो बिकम्स, ठीक है, बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस इफ 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is dissolved in 200 ml of it, calculate the molar mass of the solute। और यहाँ पे के बी की वैल्यू दी है, के बी फॉर वाटर दिया हुआ उन्होंने, इज कितना दिया है, देखो इसकी वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल ये दिया हुआ। और इसके जो ऑप्शंस ऐसे वो 15, बी है 20, सी है 25, सी है 15.9, ऐसे ऑप्शन है। यस, आप लोग क्या बता सकते हैं, ये तो लेंदी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व होगा, लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, उसे तो मैं भी फिर सॉल्व कर रहा हूँ ना उसके लिए आप लोगों के साथ में, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए अब इसमें गिवन क्या क्या दिया है, देख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, बिकम्स कितना इतना हो जाता है, मतलब टेम्परेचर रेज हो रहा है इतना, 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व कर दिया कितने 200 ml ऑफ इट एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बहुत आसान है। तो देखो अब यहाँ पे टी बी दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना दिया, बॉइलिंग पॉइंट दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। टी बी नॉट सॉल्वेंट का कितना दिया है, 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब वेट ऑफ वॉट सब्सटेंस कितना दिया, 3 ग्राम, W1 कितना दिया है 20 ग्राम, के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, ये गिवन है आपका। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको M2 निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको M2 देख लीजिए। तो अभी पहले M2 निकालने के लिए अभी फॉर्मूला आपको याद होगा तो डेल्टा टी भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, डेल्टा टी भी नहीं, तो डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा हमको ना, क्या होता है याद आ रहा है किसी को, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 100.52, ठीक है, माइनस 100 कितना हो जाएगा इसका, ये 0.52 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया डेल्टा टी बी। अब आपका फॉर्मूला क्या है, M2 इक्वल्स टू याद कीजिए W2 इंटू, बोली है याद किसी को, डेल्टा के बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते सभी की, कितना है 3 इंटू के बी कितना दिया है 0.52 दिया हुआ इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी कितना है 0.9
फाइव टू दिया हुआ है इनटू कितना है 20 हो गया। अभी सॉल्व कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, देख लीजिए आपको क्लियर हो क्या क्या चीज़ ये वो देख के करना है आपको। डेल्टा कितना 0.15, 100 ये 0.00 है ना, अब 100 जाएगा तो 5 5 2 बराबर है ना, 15 कैसे आएगा सर। आई वॉज टेलिंग लास्ट क्वेश्चन वॉज लेंदी। अच्छा अच्छा ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन वॉज लेंदी। हाँ भी वैसा क्वेश्चन आया था ना, उसके लिए मुझे डालना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे समझने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका आंसर डब्ल्यू टी की वैल्यू डाल दी मैंने, के बी वैल्यू डाल दी 1000 है, डेल्टा टी वैल्यू डाल दी इसकी। अभी क्या सॉल्व करना, ये तो ये कैंसिल ही हो रहा है डायरेक्ट, अभी इससे कर लो कैंसिल, अभी ये कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका, ये कट गया। अब 2 1 2 2 5 10 50 50 इंटू 3 कर लो कितना होता है, देख लो कितना आता है, 15 आ रहा है ना, आएगा इतना, करेक्ट है, राइट है ना, 15 मतलब आंसर ए। देख लीजिए आप कितने बच्चों का आया है, रुक गए, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है बनेगा ना सबसे, अरे कुछ तो आंसर दीजिए, यस सर ओके। चलिए मतलब क्या होता है, हमको हर क्वेश्चन की तैयारी, मैं इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने आपके न्यूमेरिकल पैटर्न आपके सिलेबस का सब पर एक एक क्वेश्चन जरूर ले रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो अभी आप कर लीजिए, फॉर्मूले भी देखेंगे बाद में अपन क्या कर सकते हैं फिर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग 5 grams ऑफ अननोन सॉल्यूट इन 100 gram ऑफ वाटर। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अपना काम है पूरे प्रैक्टिस करके बैठना है। वाटर इज फाउंड टू बी 0.5 kelvin इफ द मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट इज 2 kkg पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। ठीक है ना, अब इसका जो ऑप्शन दिए हैं वैसे दिए हुए हैं, 100 B 200 3 C 300 4 400 ऐसा कुछ दिया उन्होंने। चलिए आपके हिसाब से कुछ आंसर आ सकता है क्या सर, आप है तो CET में केमिस्ट्री का टेंशन नहीं। चलो ओके, थैंक यू फैज़ान खान, 200 आंसर आ गया है कई लोगों का, वेरी गुड। ठीक है आप देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डेल्टा टी एफ कितना दिया है, 0.5 ये आता है ना पहचान में, 0.5 ये दिया है यहाँ पर। फिर डेल्टा टी एफ हो गया, अब देखो डब्ल्यू टू दिया हुआ है 5 ग्राम, डब्ल्यू वन दिया हुआ है 100 ग्राम, उसके बाद फिर के एफ तो कुछ दिया हुआ, वो भी दिया हुआ है देखो 2 kg पर मोल बराबर है, आपको M2 निकालने का है। M2 इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए यहाँ पर, KF इंटू
W2 into 1000 अपॉन यहाँ पे लेंगे एंगुलर डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू W1, सबकी वैल्यू डाल दो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू कितनी दी है इसके अंदर 2, W2 की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ कितनी है 0.5 इंटू ये कितना दिया है इंटू W1, W1 कितना दिया हुआ 100। फटाफट करते जाओ कैंसल, ये जीरो नहीं होगा कैंसल, दो जीरो होंगे। ठीक है आ जाएगा अभी, तो अभी पॉइंट फाइव हटाए तो ये भी चले जाएगा ना जीरो, तो अब क्या है पाँच से पाँच का कितना 2, 200 आ रहा है क्या, 200 आंसर है, बराबर है क्या, पॉइंट ऊपर जाएगा, हाँ बराबर 200 है करेक्ट, 10 और एक जीरो, हाँ बराबर करेक्ट है। कितने लोग आया इतना, क्या बोले जी, हाँ जी जे डब्ल्यू का पैटर्न इसी है ना, फॉर्मूले तो वही रहेंगे ना, चेंज तो होंगे नहीं, जे डब्ल्यू का आपका इसी रहेगा। आए क्या आंसर सभी लोगों का, यस यस, हाँ क्या हो गया था, फोन भूल गया था भाई ऊपर का 1000, हाँ ठीक है चलिए आ गया ना आंसर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ें क्या फिर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अभी, आ रहा है बहुत सिंपल, देख लीजिए सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए मीन, तो एग्जाम में क्या करना सिर्फ गिवन हुआ नहीं, आप माइंड एग्जाम में क्या करना आपका फॉर्मूला याद है माइंड में फटाफट इतना लिखना है के एफ कितना होगा डब्ल्यू टू कितना होगा 1000 टी डेल्टा कितना होगा रखे फटाफट इतना ही लिखना है आपको बस सॉल्व हो जाएगा कुछ नहीं एक मिनट के अंदर सॉल्व होता है क्वेश्चन एक मिनट के अंदर। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखो सभी पे एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप सिर्फ फॉर्मूले याद कीजिए इसका विन मीनिंग याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलार सॉल्यूशन, मोलार सोल्यूशन ऑफ यूरिया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है इज, तो यहाँ पर आर की वैल्यू ब्रैकेट में उन्होंने दी है, आर की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, और ऑप्शन जो दिए हुए ऐसे दिए हैं 0.2 एटीएम, बी ऑप्शन है 1 एटीएम, सी ऑप्शन है 27 एटीएम, डी ऑप्शन है 4.92 एटीएम। देख लीजिए सब पे एक एक क्वेश्चन बनाए दिए मैंने, हाँ अब आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आप आएगा किसी का, अरे बाप रे सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए अब सॉल्यूशन में आपका क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए, टेम्परेचर मुझे दिख रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करो 27 प्लस 273 मतलब आ जाएगा 300 केल्विन, ये हो गया आपका आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है मुझे 0.2 मोलार। ठीक है ना, तो एम लिख देता हूँ बराबर है, और आपको कैलकुलेट करने क्या बोला उसने पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, अब तो बहुत आसान है आपको फॉर्मूला याद होगा पाई इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी, सी की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू आर है 0.082 इंटू टेम्परेचर दिया है 300 मल्टीप्लाई करो आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आंसर है कोई बता रहा, डी कर लिया 4.92 एटीएम डी आंसर आया है। कितने लोग आया भाई, यस 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 बहुत, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आता है खूब है ना, हर टाइप पे ले रहा हूँ क्वेश्चन एक 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 एक, आ रहा है समझ आपको। चलिए अब ये आपके सारे सब पे एक 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 क्वेश्चन मैंने ले डाले हैं, अब आपको थ्योरी भी थोड़ी आनी चाहिए, तो थोड़ी सी थ्योरी भी मिक्स कर देता हूँ उसके अंदर मैं, अभी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं ऐड किया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब
फॉर्मूले के रेप कर लीजिए, अच्छे से बन जाएगा आपको। देखिए अभी द लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वॉज गिवन बाय, ए ऑप्शन है रॉल्ट्स लॉ है, बी ऑप्शन है ओस्टवाल्ड, सी ऑप्शन है वॉन्थॉफ, डी ऑप्शन है लेविस, लुइस भी बोलते कई लोग इसको। हाँ यस, क्या आंसर होंगे भाई आप लोगों के उसमें बताइए। इजी यस, क्या आंसर? ए रॉल्ट्स लॉ ना, आया आंसर फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बात है फैजान खान, सभी का आंसर ए करेक्ट है, रॉल्ट्स लॉ करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वेश्चन में आपके सीटी के लेवल में ही ले रहा हूँ, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ कि आप परेशान हो जाए, आपका सीटी का जो लेवल है वही रीच करता हूँ मैं। फॉर वन मोलाल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन है मोलाल एलिवेशन, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, सी ऑप्शन है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डी ऑप्शन है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। यस, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलाल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, यस कौन बताएगा इसका आंसर? वेंकटेश कुलकर्णी, फैजान खान, बी शुभम बोर्ड है, सभी का बी आ रहा है। यस, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, बराबर कि नहीं? डेफिनेशन याद है ना? डेफिनेशन सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन, इज गिवन बाय द रिलेशन, गिवन बाय द रिलेशन, ए ऑप्शन है इसका पाई इक्वल्स टू आर टी अपॉन सी, बी ऑप्शन है पाई इक्वल्स टू सी टी अपॉन आर, सी ऑप्शन है पाई इक्वल्स टू आर सी अपॉन टी, एंड डी ऑप्शन है पाई अपॉन सी इक्वल्स टू आर टी। थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं समझ, आपका ओरिजिनल फॉर्मूला याद है आप कर सकते हैं। बताइए आपको याद है इसका फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है, सी आर टी, अभी लिखा था मैंने न्यूमेरिकल में,
तो सी को नीचे कर दिया, इसमें दिख रहा है आंसर डी होना चाहिए, दिखा कि नहीं, डी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन। फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, यूनिट्स पे आता है, ठीक है ना, ऐसे और न्यूमेरिकल आता है बस इनकी है, या फिर डेफिनेशन पूछते हैं, डेफिनेशन क्वेश्चन बनाते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन 17, अब वांट ऑफ फैक्टर इज, ए ऑप्शन है लेस देन वन इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ओके। फिर बी ऑप्शन बोल रहा है मोर देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, और सी ऑप्शन है ऑलवेज ऑलवेज लेस देन वन, और डी ऑप्शन है लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन। चलिए बताइए भाई, ये आपका वांट ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन है, वांट ऑफ फैक्टर इज, पहले कह रहा है लेस देन वन इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट होगा तो बढ़ेगा ना, तो कैसा होगा वो, फिर मोर देन वन इन केस एसोसिएशन कम है, तो कम होना चाहिए, उल्टा पुल्टा हो गया, तो ऑलवेज लेस देन वन, ये रॉन्ग है, इसका आंसर डी है लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट हो रहा है ना, एक से कम हो रहा है, बराबर है। पी ब्लॉक से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक से आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए उसके, पी ब्लॉक से 5 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से 3 ही आएंगे, ठीक है ना, मतलब एक आध कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि, लेकिन जो अभी तक के पेपर को देख के ये समझ आ रहा है कि 3 क्वेश्चन आते हैं मतलब, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दबाओ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्रैकेट में दिया पाई, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई दे दिया, कॉमा वॉल्यूम के लिए वी भी लिख दिया उन्होंने ब्रैकेट में, एंड टेम्परेचर के लिए टी, एंड टेम्परेचर के लिए लिख दिया टी, तो ए ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, अब देखो ज़रा, पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इफ टी इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट बोल रहा था। अब बी ऑप्शन बोल रहा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इफ टी इज कॉन्स्टेंट, सी ऑप्शन बोल रहा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इफ वी इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट बोल रहा है यहाँ पर, और डी ऑप्शन बोल रहा है पाई वी इज कॉन्स्टेंट, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट बोल रहा है, पाई वी इज कॉन्स्टेंट इफ टी इज कॉन्स्टेंट। भैया आप बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखते कितने लोग आता है, क्या थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बताएंगे अभी तो चैप्टर आएगा सबको बताओ, ऐसे मैं आपको वेटेज सभी चैप्टर दिया है ना मैंने, आपको याद नहीं उसमें। चलिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, विच ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है, पाई दोनों से भी ये बराबर है, ये रॉन्ग दिख रहा है, जब ये राइट है तो ये रॉन्ग है, आंसर भी
बराबर है कि नहीं? यस, रिएक्शन से मतलब रिएक्शंस कुछ भी आ सकता है उसमें, क्या है क्वेश्चन है करेंगे देखेंगे अब इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने के है, दो क्वेश्चन और करता हूँ फिर आपको ये स्टॉप करूँगा। फिर कल मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, कल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक कल का चैप्टर होने वाला है अपना, ध्यान रखिए, प्रिपेयर करके रखिए पूरे न्यूमेरिकल वर्क, उसमें वर्क डन फर्स्ट लॉ थोड़ा और आइस और क्या एंट्रोपी, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको अच्छे से कर लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव ए ऑप्शन इक्वल टेम्परेचर, ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इक्वल टेम्परेचर, बी ऑप्शन इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, सी ऑप्शन इक्वल वॉल्यूम, डी ऑप्शन है इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर बोल रहे हैं। हाँ भाई, वॉन्ट ऑफ ऑयल्स लॉ, यस यस यस, बी इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए फिर हम आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, the depression of freezing point is directly proportional to a option hai mole fraction of the solution, mole fraction of the solution, b option hai molarity of the solution, c option hai molality, ye molarity ya molality of the solution of the solution, and D option है molality of solvent। yes, answer बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए क्या होगा, सी आंसर बोल रहे हैं, सी molality of, क्या होगा कि the depression of freezing point is directly proportional of, याद है ना आपको के एफ जो होता है, आ रहा है कुछ याद, किसके होगा डायरेक्टली, के एफ molality का होता है, ऐसे कुछ है शायद, है ना, आ रहा है कुछ है, ऐसे कुछ है, बराबर है केएफ इंटू एम, आ गया याद, केएफ इंटू एम, और ये टी एफ, डेल्टा टी एफ है ना, याद आए ना। चलो क्या आंसर है अब इसका, तो आंसर आएगा आपका सी, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। चलिए भाई फिर अभी आपका ये हो गया है आपका पूरा कंप्लीट 20 क्वेश्चन, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश कर रहा हूँ। कल का याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा चैप्टर कल का, थर्मोडायनेमिक चैप्टर हम कल करने वाले, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक कल उस पर करेंगे। अब सारे न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद केमिकाइटिक्स, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही चैप्टर फटाफट फिजिकल अब पूरी कंप्लीट करने वाले हम लोग, फिर लास्ट में करेंगे पी ब्लॉक, ये सारे फिजिकल होंगे, फिर पी ब्लॉक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बाद आपका 12th खत्म हो जाता है। अब क्या एक दो तीन चार पांच चैप्टर में आपका, चार पांच लेक्चर में आपका पूरा 12th का पूरा फिनिश होने वाला है। अच्छा कल मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाला था
पसंद आया है आप लोगों को, देखते क्या बोल रहे हैं आप लोग। जे डब्ल्यू मतलब जैसा भी जिसमें आपको डरा था, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, पूरा सिलेबस के बाहर तो जाने वाला नहीं ना, वो बोलते बच्चे वैसा है, पेपर आपके सामने है ना, मैंने आपको देखा है कि आपके सॉल्यूशन की मैंने डाल के रखे 2019 उसमें कहाँ था देख लीजिए कौन सा लेवल ज़्यादा है, आपको सारे क्वेश्चन डाले आप चेक कीजिए ना, आप लोग देख ही नहीं रहे पेपर्स, मैंने ईयर वाइज क्वेश्चन हर चैप्टर का डाले हुए हैं, हर चैप्टर का ईयर वाइज क्वेश्चन है मेरे, मालूम है क्या आपको, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का वीडियो, चलिए थैंक यू।